सो ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबडी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये नई फ़ोटो के बारे में, और ये मैंने क्रिएट कर रखी है फोटोशॉप से। और जो मेरा डिवाइस है वो है मैकबुक प्रो, जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं पीसी यूज़ नहीं करता मोस्टली फ़ोटो बनाने के लिए, क्योंकि कलर करेक्शन और बाकी चीज़ें जो भी रहती हैं वो मैकबुक पर बहुत अच्छी हैं। और सेकंड चीज़, अगर आपको ये सारी एसेट भी है, और ये जैसे बग्गी नीचे है, और ये ए कैम, हेलमेट, मेड किट, बैग्स, पेन, लाइक मॉन्की, और ये पीछे जो पैराशूट्स हैं, और ये लोगो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक लिंक होगी टेलीग्राम की, उस पर आपको क्लिक करना होगा और वो ग्रुप ज्वाइन करना होगा। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं डाउनलोड के लिए, और आपको इसलिए अवेलेबल होगी जो आप अपने फोटोशॉप या पिक्सआर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह वर्क करती हैं शायद, क्योंकि मैंने देखा है। हाँ, और कई लोग ट्यूटोरियल्स भी बना रहे हैं मेरी PNGs यूज़ करके, तो सही है भाई, बनाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप पिक्सआर्ट में लोगों को समझा रहे हो तो ठीक है, और मुझे ज़रूर लिंक भेज दिया करो DM में, क्योंकि मैं चेक कर लूँगा कि कहीं कोई गलत चीज़ भी तो नहीं सिखाई जा रही आगे, कहीं एडिट ही गलत हो जाए, फिर कहीं कहोगे आप मुझे एडिट गलत बता दी। और अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक नहीं खुल रहा है, जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उसमें आपको करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम में जाना होगा और वहाँ सर्च करना होगा मेरे चैनल का नाम सार्वेंद्र, और आपको फिर उसे इंसर्ट करना होगा वहाँ पे सर्च टैब में, और आपको ग्रुप मिल जाएगा इजीली, और आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे अराउंड 1000 से भी ज़्यादा पीपल्स हैं, लाइक अब 1100 होने वाले हैं, वहाँ 1100 लोग हैं जो सब्सक्राइब हैं वहाँ पे टेलीग्राम पे PNGs के लिए, तो आप भी आ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा नहीं है कोई चीज़, और ये ट्यूटोरियल भी सब यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप इससे गो थ्रू जा सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए आपको थोड़ी फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लाइक मिड टाइप में, आप बिगनर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिगनर में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको मेरे सारे पीछे पीछे वाले ट्यूटोरियल्स ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जो इसमें ये क्रिएशंस हैं फ़ोटो में, जो हेयर्स हैं कितने अच्छे ये डीप कट करने होते हैं, अपने अराउंड सिलेक्शन कितने बढ़िया रहते हैं, तो सिलेक्शन को ज़रूर देखना होता है कि आपने सिलेक्शन कैसे कर रखा है, और यहाँ ये एसेट्स कैसे डाल रखे हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी होती है देखनी चीज़ें एक फ़ोटोशॉप में। और लाइक इस फ़ोटो को भी आप इंस्टाग्राम पर बहुत प्यार दें जैसे आपने दे रखा, और कमेंट डाउन करें अपना टायर जो भी आप सर्वर में खेलते हैं पबजी में, और ज्वाइन करें मुझे, मैं नीचे अपनी ID छोड़ दूंगा, आप चाहें तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और पबजी साथ में खेलेंगे, अराउंड 10-11 बजे के बाद खेलता हूँ मैं, तो आप खेल सकते हैं मेरे साथ लॉबी में आके। और सून जल्दी कुछ बड़ा भी होगा इसी चीज़ पे, सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ, और यहाँ मैं एग्जिट करता हूँ ये स्क्रीन को। अगर आपको वैसी स्क्रीन चाहिए तो आपको 3 बार F दबाना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे आप PC मैक में होता है ये शायद, PC का नो आइडिया मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेस से। कलर ग्रेडिंग के लिए जो मैं लट्स यूज़ करता हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में है, और आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये सबसे पहले मैंने एक्सप्लेनेटरी रखी थी एक PNG, जो आपको समझ में आया कि मैं कैसे कहीं एनवायरनमेंट में था, तो ये मैंने अपने घर पे क्लिक कर रखी है, और जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और मैंने बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर दिया है इजीली। अगर आपको नहीं आता ऐसा बैकग्राउंड कट आउट करना कि आप कहीं भी रख सकते हैं, लाइक अगर मैं इसके पीछे अगर कुछ इंसर्ट भी करता हूँ कलर, लाइक 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको कलर, लाइक ये कलर ऐड करा मैंने, और यहाँ पे ऑल डिलीट, तो आप देख सकते हैं वो कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गया है वहाँ पे नीचे, बस इसको फैदर आउट करना है और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी कटिंग और इस चीज़ के लिए आप मेरे ट्यूटोरियल वॉच कर सकते हैं, तो मैंने उसमें हेयर ट्यूटोरियल डाल रखा है शायद नाम से, जिससे आप हेयर के सिलेक्शन बहुत अच्छे कर सकते हैं, और कटिंग के भी सिलेक्शन का है मैंने डाल रखा है, पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं, तो वो पूरे
एक्सप्लेन ट्यूटोरियल है, फुल ट्यूटोरियल है, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और एक रिम लाइट का ट्यूटोरियल होगा, वो भी ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उस ट्यूटोरियल के बिना आप इसमें गो थ्रू नहीं जा सकते बिल्कुल भी। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। अब मेन सबसे पहले मैंने ये एसेट था तो यहाँ पे फोटो थी, यहाँ एक और बंदर बैठा हुआ था, तो जस्ट मैंने उसे रिमूव कर रखा है। अब रिमूव कैसे करा था, यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया, जैसे इस ये है मैं इसका सिलेक्शन लेता हूँ, मुझे ये रिमूव करना है। ठीक है, और फिर मैं आऊँगा फंक्शन शिफ्ट F5 प्रेस करूँगा तो ये फिल का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहीं कहीं से मिलता है, तो आप क्लिक करके ओके करेंगे जैसे ही, तो वो थोड़ा टाइम लेगा एनालाइज में और फिर अपने आप वो रिमूव कर देगा। इसलिए तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लैंक बैकग्राउंड भी आ गया है, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मैंने यहाँ जस्ट बंदर रिमूव कर रखा। और ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ वॉलपेपर, जो आपको ईजीली रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ी सी शेडो ऐड कर रखी थी, और शेडो का कुछ नहीं है, जस्ट मैंने अपने आप को ऐड कर रखा है, और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे शेडो ऐड कर दी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये शेडो कैसे ऐड करेंगे, ब्रश लेना है और यहाँ आपने थोड़ा ब्लू कलर लेना है और डार्क ब्लू कलर लेना है, और जस्ट थोड़ा सा ये करना और फैदर कर देना ब्रश को, और पेंट ये थोड़ा स्किन फ्लो वाला ब्रश है, दूसरा लाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यार से पेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ मैंने अपनी ब्राइटनेस डाउन कर रखी है, अपने कलर ग्रेड मैच कर रखा है, तो आप यहाँ कलर ग्रेड की नोटिस करें ज़रूर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने अपने आप को स्लाइटली सेचुरेटेड, लेस सेचुरेटेड कर रखा है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैंने कर्व से थोड़ा नीचे से यहाँ ब्राइटनेस कम करी थी, कर्व से थोड़ा सा अगर आप इधर से डाउन करेंगे और फिर मास्क करके जहाँ भी आपको लाइटनेस कम करनी होगी आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक पॉइंट रहेगा जहाँ से आप लाइट कट आउट कर सकते हैं और एक साइड से फॉल करा सकते हैं। फिर कलर बैलेंस है, क्योंकि जो दूसरा मंकी था यहाँ पे तो उसके बालों में भी सेम ऐसे ब्लू टोन्स थी, तो मेरे को भी चाहिए थी ये ब्लू टोन्स, क्योंकि फिर अगर मैं ब्लू टोन्स नहीं रखता तो आप देख सकते हैं दूर से मैच हो नहीं हो रहा है। अब मैं जैसे ये ऑन करूँगा तो मैच हो रहा है बैकग्राउंड के साथ भी, तो यहाँ एक ये चीज़ सही है, क्योंकि जिस बंदे ने ये पहले फ़ोटो क्लिक कर रखी है, तो अहमद जयान ने, भाई आपने बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रखी है, और यहाँ पे जैसे आपने लट्स डाले हैं तो फिर वो लट्स अप्लाई हो रखे हैं, और उस लट्स के अकॉर्डिंग ही मुझे कलर ग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो रखी थी। फिर उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे अपने एसेट्स डालने चालू कर दिए थे, पैराशूट ये, और यहाँ पे ये सारी, ये सब PNGs हैं, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके नीचे थोड़ी सी शेडो मैंने डाली है, शेडो कैसे डाली है, यहाँ पे वही सेम ब्रश लिया मैंने बड़ा, और सिंपल सिंपल नीचे 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 आप पेंट करते जाना है। ठीक है, ध्यान से, और फिर आप कुछ ऐसा चीज कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हर चीज़ पे सेचुरेशन कम कर रखी है, लाइटनेस जिसे कहते हैं, लाइटनेस करके सेचुरेशन करता पॉइंट, और लाइटनेस कम कर रखी है। और यहाँ पे थोड़ी मैगजीन मैंने ये यूँ रखी थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पैर अजीब सा लग रहा था, लेकिन है वो मैच, लेकिन हाँ पॉइंट अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने मैग रख दी है, जिससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए एडिट में भी अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे ये बग्गी के ऊपर है थोड़ी सी लाइट, तो यहाँ ये सारे एसेट्स मैंने फिल कर दिए हैं। और ये बहुत लाइक शॉर्ट ट्यूटोरियल भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एसेट्स थे, सब चीज़ मैंने उठा उठा के एक एक जगह से हर चीज़ को क्रिएट कर रखा था और एक एक जगह लेके आया था। और ये PNG मैंने निकाल ली थी नेट से, तो जस्ट मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करना था अपने लिए, वो बहुत ईजी रहेगा। और फिर यहाँ मैंने अपना लोगो इंसर्ट कर रखा है, और फिर यहाँ थोड़ा सा हेज डाल रखा है मैंने, अगर आप यहाँ से वाइट कलर ले लेंगे और फिर आप यहाँ से थोड़ा ब्रश बड़ा करके ऐसे सिंपल करेंगे, और यहाँ से फ्लो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा तो आपको हेज भी मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने PNG यूज़ कर रखी है लाइट की, जो यहाँ से ऐसा लगे कि सन यहाँ पे था, क्योंकि कोई लाइट सोर्स तो दिखाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे बिलीव नहीं होता कि लाइट इधर से ही आ रही है, तो जस्ट मैंने इधर रखा है। और डुअल टोन नेचर एडिटिंग के लिए भी करा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ब्लू और येलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैंने कलर ग्रेड अप्लाई कर रखा है, और थोड़े बालों में लिक्विफाई यूज कर रखा है, क्योंकि मेरे को भाई
मैंने भी हेयर्स कट करा लिए थे तो बाल अपने हो गए बिल्कुल छोटे छोटे, तो बहुत ही प्रॉब्लम है फोटो में, तो अच्छा दिखना पड़ता है। अब उसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ पे ब्रश से पेंट कर रखा है, आपको ब्रश बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा इतना, लाइक अराउंड 4 भी चलेगा ठीक है। और फिर आपको यहाँ से कोई कलर सैंपल लेना है और जस्ट ऐसे ऐसे ठीक है, तो आप धीरे 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 जहाँ भी आपको करना हो पेंट आप वहाँ हेयर्स पेंट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ हेयर्स भी पेंट कर रखे हैं और वो कलर वेरी है कि आप देख सकते हैं फ्लो ठीक है, तो समझ गए होंगे आप ऐसे 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 ठीक है। इसके बाद मैंने यूज़ करा है यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं। इसके बाद मंकी का मुंह थोड़ा सेचुरेटेड हो गया था तो उसे मैंने रिमूव करा था, लाइक ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुंह पर क्लिक करेंगे तो आप वो अपने आप सिलेक्शन ले लेगा और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सेचुरेशन किसी भी पॉइंट पे ठीक है। तो उसे मेरे स्किन के लेवल पे लाना था मुझे, तो जस्ट वो मेरे स्किन के लेवल पे आ गया था तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो ऐड करा है वो है मैंने यहाँ पे ये एशिया वाला क्राउन 4 वाला टैग, तो इसको तो मर्ज ही कर देता हूँ एक। अब उसके बाद मैंने थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज करी थी क्योंकि मैं एक बार फोटो को अपने टेस्ट भी करता हूँ ब्राइटनेस लो ज़्यादा कम ज़्यादा करके, सो उससे कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो उससे पता चल जाता है। तो यहाँ ब्राइटनेस मैं जस्ट क्लिक ऑटो पे भी कर देता हूँ, ऑटो भी डिटेक्ट करके बता देता है ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा चेहरे पे डॉजन बर्न कर रखा है जिससे क्लीन अप है, डॉजन बर्न की मैंने वीडियो बना रखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही पड़ी हुई है, बहुत सारी फेस रिटचिंग ट्रीटमेंट सेपरेशन इनकी हैं, अंधा वीडियो है आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको ठीक है। उसके बाद यहाँ पबजी का लोगो लगाया मैंने और जस्ट एक हल्का सा स्टैम्प लेयर और कलर एफेक्ट्स का यूज़ और प्रो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करा था उसमें मैंने ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको जस्ट डुप्लीकेट कर लिया था, ये वाली लेयर बनाना बता रहा हूँ मैं ठीक है, तो इसे डुप्लीकेट कर लिया और फिल्टर जाके हाई पास पे क्लिक करा और हाई पास मैंने 2 का रखा है। और फिर यहाँ से जब आप आएंगे ओवर लेयर लीनियर लाइट इनमें से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके फ़ोटो की शार्पनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे एक लिमिटेड वे में आप करेंगे तो जस्ट कुछ ऐसे शार्पनेस आ जाएगी आपकी भी, तो उसे ध्यान से यूज़ करें हाई पास को। और हाई पास यहाँ पे है फिल्टर अदर हाई पास, नॉर्मली 2 नहीं रखता मैं, 1 तक रखता हूँ ठीक है, उससे शार्पनेस बहुत अच्छी आती है। और यह फ़ोटो यहाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी है और थैंक यू गाइस आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा, और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और 10,000 फॉलोवर भी होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, सो सपोर्ट ज़रूर करना क्योंकि बहुत उम्मीद है इस पोस्ट से भाई, वैसे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए टूट जाती है कभी कभी, तो एम मैं इस फोटो के लिए रखता हूँ 3,000 लाइक इंस्टाग्राम पे और इस वीडियो पे 100 लाइक का, कि आप सब जरूर पूरा कर देंगे। तो प्लीज़ उस बटन सब्सक्राइब को दबाओ, तोड़ो फोड़ो या एडिट करो कुछ भी करो, लेकिन वो क्लिक हो जाना चाहिए लाइक कैरी नॉट। सो थैंक यू गाइस।